जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज मेरा है बैक का वर्कआउट। मैंने अपना वार्म अप कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले एक्सरसाइज मैं करूँगा यहाँ पे डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट में मैंने वेट यहाँ पे रखा है लाइट, क्योंकि मैं डेडलिफ्ट के साथ एक एक्सरसाइज को और एड ऑन करने वाला हूँ यहाँ पे। इसके मैं करूँगा टोटल 4 सेट। रेपिटेशन करने वाला हूँ यहाँ पे मैं 8 से 10 हर सेट में। इसके कर लिए मैंने यहाँ पे 10 रैप। इसी के तुरंत बाद मैं करूँगा अपनी एड ऑन स्ट्रेट बार पुश डाउन। अब कुछ भाई लोग पूरा पूरा बैंड होके करते हैं, बट हमें पूरा बैंड नहीं होना, हल्के से पेल्विक बोन से आगे की तरफ बैंड होना है, कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ पे बैंड हो रखा हूँ। और इसे करते समय आप खुद फील करेंगे कि आपका सिर्फ और सिर्फ बैक पूरा एंगेज हो रहा है। नंबर ऑफ सेट मैं करूँगा यहाँ पे टोटल 4। रेपिटेशन करने वाला हूँ यहाँ पे 15, 12, 10 और 8 के साथ। मैं फिर बता दूं, डेडलिफ्ट में रेपिटेशन करूंगा 8 से 10 हर सेट में, बट इसमें वेट बढ़ेगा तो रेपिटेशन निकलेंगे मेरे 15, 12, 10 और 8 के साथ। सेकंड एक्सरसाइज मैं करूंगा अपनी लैट पुल डाउन। अब लैट पुल डाउन करते समय हमें एक बात का ध्यान देना है। हम नॉर्मल लैट पुल डाउन कैसे करते थे, हमारी एल्बो नीचे आती थी, बट हमें इस टाइम क्या करना है, अपने एल्बो को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालना है कुछ इस तरह से। और जब भी हम लिफ्ट अप करेंगे तो हमारे लैट्स एकदम से खुलने चाहिए, जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप मेरे लैट्स में कितना तगड़ा वाला लोड आ रहा है। इसके करेंगे नंबर ऑफ सेट हम टोटल 4। रेपिटेशन करने वाले यहाँ पे 15, 12, 10 और 8 के साथ। थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी सिंगल आर्म केबल सिटी ड्रो। अब करना कुछ इस तरह से, आप मेरे हाथों की पोजीशन देख सकते हैं मेरी, आप भी कुछ इस तरह से करना। इसके करेंगे नंबर ऑफ सेट हम टोटल 4। रेपिटेशन करेंगे इसमें हम ईच हैंड 15 के 12, 10 और 8 के। अब करना कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं मेरी, आप जब ला रहे हैं पीछे की तरफ को तो नॉर्मल लेके आएंगे जिस तरह से मैं ला रहा हूँ, और जब आप आगे की तरफ रिलीज करेंगे केबल को तो आप जैसे नॉर्मल हाथ को करते हैं ना आगे की तरफ, वैसे करेंगे। इसके वजह से क्या होगा ना, हमारे लैट्स में इतने तगड़ा वाला लोड आएगा ना, हमारी लोअर लैट्स में स्पेशली मजा आ जाएगा। आपको खुद फील करेंगे भाई ये वाली एक्सरसाइज बहुत दमदार लगी हमको, आप खुद कमेंट करेंगे मेरे को। अब देख लिए एक बार फिर से, ये मैं हाथ को पीछे से आगे ले आ रहा हूँ, रोटेट कर दे रहा हूँ, पीछे की तरफ सिंपल आ रहा हूँ, आगे की तरफ रोटेट कर दे रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे लोअर लैट्स एंगेज हो रहे हैं बहुत अच्छे वाले। अपनी फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे हम वी बार लैट पुल डाउन। अब इसे करते समय एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वी बार को नीचे लेते हुए आएंगे तो अपनी एल्बो उसको हल्की सी बाहर की तरफ निकालेंगे, और जब भी वी बार को रिलीज करेंगे तो पूरे को बाहर की तरफ को होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे हम रिलीज करेंगे कुछ इस तरह से। आप इस तरह से करके देखना भाइयों, आपके लैट्स में बहुत तगड़ा वाला पंप आएगा, मसल टेंशन बहुत अच्छी बैठेगी। नंबर ऑफ सेट में कर रहा हूँ यहाँ पे टोटल 4। रेपिटेशन करूंगा यहाँ पे 15, 12, 10 और 8 के साथ। एक बार मैं आपको पीछे से आके दिखा देता हूँ कि जब भी मैं वी बार को रिलीज कर रहा हूँ तो मेरे मसल टेंशन मेरे लैट्स में बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी सिंगल आर्म डंबल रो। आप चाहे तो इसे फ्लैट बेंच में कर सकते हैं, आप चाहे तो जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप उस तरह से कर सकते हैं। अब इसे करने के हमारे मेन फायदा हमको ये मिलेगा, इससे हमारी बैक की जो मसल है ना उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। नंबर ऑफ सेट में करूंगा इसके भी टोटल 4। रेपिटेशन करूंगा ईच हैंड 15, 12, 10 और 8 के साथ।
अब लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी डंबल पुल ओवर फॉर बैक। अब कुछ भाई लोग बोलेंगे ये एक्सरसाइज तो चेस्ट के लिए भी होती है, आप इसे बैक में भी बता रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ, चेस्ट में करते समय हमारी एल्बो अंदर की तरफ रहती है और बैक में करते समय हमारी एल्बो बाहर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से हमारी लैट्स बहुत अच्छी तरह से एंगेज होती है। आप देख सकते हैं मेरी लैट्स कितने अच्छे से एंगेज हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेट मैं करूंगा इसके टोटल 4, रेपिटेशन करने वाला हूं यहां पे 15, 12, 10 और 8 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।